नमस्कार, सुजाता की रसोई से मैं आप सबका स्वागत है। आज हम धनिया पुदीने की चटनी वाला मटर पनीर पुलाव बनाएंगे। दोस्तों यकीन मानिए, ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है और ये बच्चों और बड़ों सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं हम इसको किस तरह से बनाएंगे। ये हमने देसी घी लिया है और ये पानी लिया है। 1.5 कप हमने बासमती चावल लिए हैं, इसको धो करके 10 मिनट के लिए भिगो दिया है। और ये कुछ खड़े मसाले लिए हैं, हरी इलायची, तेज़पत्ता और जीरा लिया है। 10-12 काली मिर्च ली हैं, 3-4 लौंग ली है और काली इलायची भी ली है, बड़ी वाली इलायची। ये हमने धनिया पुदीने, हरी मिर्च और ये कच्चे आम की चटनी बनाई है, बहुत ही ज़बरदस्त। 1/2 कप दही लिया है, फेंट लिया है। 1 कप मटर लिए है, 200 ग्राम पनीर लिया है, इसको क्यूब में इस तरह से काट लिया है। और ये हमने धनिया पाउडर लिया है, हल्दी लिए है, नमक लिया है, गरम मसाला लिया है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और ये हमने 3 प्याज को स्लाइस में काट लिया है, मीडियम साइज़ की 3 प्याज ली थी। सबसे पहले हम कुकर रखेंगे, उसके अंदर ये बड़ी वाली करछी 2 भर करके देसी घी डालेंगे। आप इसे कोई से भी कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हो, लेकिन देसी घी में पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। जब ये गर्म हो जाएगी तो हम ये खड़े मसाले डाल देंगे सबसे पहले और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। दोस्तों इसको थोड़ा ढाँक देंगे क्योंकि लौंग उछल जाती है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ढाँक देंगे थोड़ी देर के लिए। खड़े मसाले अच्छे से भून चुके हैं, इनका फ्लेवर आ गया है, बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है। अब प्याज भी डाल देंगे, इसको भी बहुत अच्छी तरह से हम भून लेंगे। इसे हमें काला नहीं करना है, एकदम से बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से भून चुकी है। अब इसी में हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे, इसको भी बहुत अच्छे से भून लेना है और कच्चापन दूर हो जाए इसका लहसुन अदरक का। अब इसमें हम ये चटनी बनाएंगे, डाल देंगे। ये हमने 4 करछी भर करके चटनी डाली है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। ये धनिया पुदीना और वो लिया था हमने हरे लहसुन और हरी मिर्च और कच्चा आम, इसको मिला करके पीसा था, तो बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है। इसको भी बहुत अच्छी तरह से भुनना है हमें। 1/4 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच हमने गरम मसाला डाल दिया है। और 1.5 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है। ढक के नहीं भुनेंगे, इसी तरह से भून लेंगे। ये देखिए दोस्तों घी भी ऊपर आ गया है, ये मसाला बहुत बढ़िया तरीके से भुन चुका है। अब इसके अंदर हम पनीर डाल देंगे, पनीर के दाल को पनीर डालकर भी अच्छी तरह से इसको चला लेंगे और मटर भी डाल देंगे हम। आजकल मार्केट में बहुत अच्छी मटर आ रही हैं, तो हम मटर भी डाल दिए। ये अब इनको बहुत अच्छे से भून लिया है, पनीर के अंदर भी इसका टेस्ट अच्छी तरह से आ जाएगा धनिया पुदीने का चटनी का। अब इसमें हम ये 1/2 कप दही डाल देंगे, ये हमने फेंट ली थी। अब इसको चला देंगे अच्छी तरह से, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। इसको भी दही को भी अच्छी तरह से ही भून लेना है। देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हम चावल डाल देंगे, अब इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे थोड़े धीरे हाथ से कि टूटे नहीं चावल। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसमें मुझे 250 ml पानी लगा है। देखिए दोस्तों 1/2 लीटर का है ये,
250 ml पानी लग गया है इसमें। अब इसमें हम सीटी लगाएंगे, दो सीटी लगाएंगे और प्रेशर अपने आप ही निकलने देंगे। दो सीटी आ चुकी है वो दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। मैं आपको दिखाती हूँ कि एकदम खिली खिली बनी है, ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब मैं इसको ना सर्व कर लूँगी। ये मैंने सर्व कर लिया है कुछ सलाद के साथ और खीरे और टमाटर का मैंने ये रायता तैयार किया है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है खिचड़ी। आप देख सकते हैं एकदम खिली खिली है। चटनी वाला मटर पनीर पुलाव बन करके तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। आप इसे रायते के साथ सर्व करें, बहुत ही बढ़िया लगेगा। अगर आपको आज की रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी कैसी लगी है, और मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।